The reason for the existence of widespread unemployment in India is not due to any single factor. कोई एक reason नहीं है, ठीक है? इसके पीछे multiple reasons है, multiple factors है। It is a cumulative result of many causes. The important causes of the unemployment problem in uh, problem in India are the first one being slow rate of economic growth. देखो, अब ज़रूरत तो नहीं है कि इंडिया ने plan किया हो कि 8% हो इस साल, तो 8% achieve हो ही जाएगा? नहीं एट परसेंट तो टारगेट होता है हम हमेशा प्लानिंग कैसे करते हैं टारगेट बड़ा रखते हैं यू माइट थिंक कि मैं हंड्रेड और हंड्रेड लेके आऊँ अच्छी बातें ले आते हो तो पर अगर बाई चांस नहीं भी आ रहा है ठीक है तो अगर वो रिजल्ट अचीव नहीं हुआ दैट मीन्स अंदर अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हुई है वैसे ही जब इंडिया अपने फाइव ईयर प्लान बना रहा है ठीक है तो एवरी फाइव ईयर प्लान में हम कुछ ना कुछ ग्रोथ प्लान करते हैं कि अब इस साल हमारे जीडीपी का ये ग्रोथ होना चाहिए अब ये ग्रोथ होना चाहिए ठीक है बट होता क्या है वो ग्रोथ टारगेट वाला ग्रोथ है आप एक्चुअल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ क्या? है होती है आठ टारगेट होता है पंद्रह ग्रोथ होती है नौ तो क्या हो रहा है वी आर फार बिलो द टारगेट हम लोग बहुत दूर है टारगेट से ठीक है और प्लानिंग हम बड़ी बड़ी कर रहे हैं ग्रोथ एक्चुअल ग्रोथ बहुत छोटी छोटी हो रही है ठीक है डिफरेंस बहुत छोटा छोटा आ रहा है तो पूरा पांच डिकेड्स में प्लानिंग में यही हो रहा है टारगेट बहुत हाई एक्चुअल ग्रोथ बहुत लो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएटेड प्लान कुड नॉट द एडिशन टू द लेबर फोर्स देखो आपने प्लानिंग तो करी बट हमारा पब्लिक सेक्टर फेल हुआ इकोनॉमिक क्राइसिस आई उसके बाद में लोन लेना पड़ा उसके बाद में एन ई पी आई एन ई पी को लिया तो एग्रीकल्चर हम लोग इग्नोर कर चुके थे उस टाइम पे तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम प्लान कर लेते हैं बट ज़रूरी नहीं कि एक्चुअल सिचुएशन जब वो आए तब वो इम्प्लीमेंट हो पाए तो यहाँ पे वही बात हो रही है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में कि टारगेट बहुत हाई थे एक्चुअल ग्रोथ बहुत लो हुई प्लस जो सिचुएशन आई वहाँ पर हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं कर पाए नेक्स्ट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अब देखो गवर्नमेंट की भी बहुत ज़्यादा गलती है बट यहाँ पे हमारी इंडियन पॉपुलेशन की भी गलती है गवर्नमेंट अगर जनरेट करती है हजार लोगों के लिए जॉब तो नेक्स्ट ईयर दो हजार लोग खड़े हो जाते हैं तो एडिशनल हजार जॉब एक साथ में क्रिएट करना बहुत मुश्किल है गवर्नमेंट के लिए है ना क्यों क्योंकि पॉपुलेशन बहुत फटाफट -फत बढ़ रहा है बहुत ज्यादा एक्सप्लोर्ड हो रहा है ठीक है तो जरूरी नहीं कि उसी पेस पे हम जॉब्स क्रिएट कर पाए द रैपिड रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ बिन अनादर कॉज ऑफ इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री इट हैज़ नॉट बिन पॉसिबल टू जनरेट सो मैनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू एब्जॉर्ब द लार्ज ग्रोइंग लेबर फोर्स लेबर फोर्स इंक्रीज होता जा रहा है पर वो सारा एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है क्योंकि उतनी अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना बहुत डिफिकल्ट है स्पेशली फॉर अ डेवलपिंग नेशन लाइक इंडिया तो दो रीजन है यहाँ पे स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन द थर्ड वन इज अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर देखो अगर एग्रीकल्चर में बहुत लोग एम्प्लॉयड हैं ठीक है तो उसको भी इम्प्रूव करना जरूरी है इरीगेशन फैसिलिटीज़ क्रेडिट फैसिलिटीज़ वहाँ पे अच्छे सीड्स एच वाई वी सीड्स मिलना उसमें अच्छे प्रिमेटिव मेथड्स छोड़ के अच्छे नए मॉडर्न मेथड्स लाना भी बहुत जरूरी हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड एंड द प्रिमेटिव मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर ऑपरेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैसिव रूरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या उतना यूटिलाइज नहीं हो रहा है अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं ठीक है तो प्रिमेटिव मेथर्स की वजह से क्या होता है कि हम प्रिमेटिव मेथर्स प्लस द हेवी प्रेशर बहुत सारे लोग हैं ओवर क्राउडेड है ओवर बर्डन है तो वहां पर हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं कर पा रहे द फोर्थ वन इज डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम अभी तक हमने वही देखा ना कि हम सिर्फ रट रहे हैं सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं सिर्फ रीड कर रहे हैं लर्न कर रहे हैं पर हम कुछ सीख रहे है? नहीं समझना सीखना भी ज़रूरी है सीखना बहुत ज़रूरी है बिकॉज प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आपको एक्चुअली में वो स्किल्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है सिर्फ बुकेश नॉलेज काम नहीं करता है इंडिया में क्या हो रहा है बच्चे पढ़ते हैं पढ़ तो लेते हैं पर सीख नहीं पाते बिकॉज उनको ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है स्पेशली वोकेशनल ट्रेनिंग छोटे छोटे जॉब्स के लिए ट्रेनिंग ठीक है प्लम्बिंग जॉब कैसे होती है कंस्ट्रक्शन साइट पर एक्चुअली में काम कैसे होता है तो ये प्रैक्टिकल लर्निंग्स नहीं हो पाती जिसकी वजह से हमारे ये डिफेक्टिव सिस्टम की वजह से लोगों को एजुकेटेड लोगों को भी जॉब्स नहीं मिलती है द प्रिवेलिंग एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया इज फुल ऑफ डिफेक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूट Provide numerous engineers, MBAs etc. But due to lack of technical and vocational training, such educated people are unable to meet the requirements of the firm and remain unemployed. क्या होता है? उनकी requirements जो firm की requirement है, आपसे वो क्या expect करते हैं? ठीक है? ठीके? देखो unrealistic भी होती है कहीं-कहीं पे expectation कि बच्चा 22 साल का उसमें 5 साल का उसका work experience होना चाहिए एम बी ए करते टाइम पर ये होता है कि हमें ऑलरेडी फाइव ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए अरे यार मेरी एज ही ट्वेंटी वन या ट्वेंटी टू मैं कहाँ से रहूँ पाँच साल का वर्क एक्सपीरियंस राइट तो थोड़ी अनरियलिस्टिक होती है फॉर्म की एक्सपेक्टेशन बट ओवरऑल अगर आप लार्ज स्केल पे बात करो तो उतनी अनरियलिस्टिक नहीं है दो तीन साल कुछ इंटर्नशिप कुछ तो आपको एक्सपीरियंस रहना स्टार्ट करना ही चाहिए बिकॉज जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे ट्रेनिंग नहीं लोगे यू विल नॉट बी एबल टू लर्न प्लस यू यू नॉट बी एबल टू इम्प्लीमेंट द सेम थिंग्स विच यू आर लर्निंग इन द

स टेक्नोलॉजी द इंडस्ट्रियल सेक्टर कुड नॉट गेन मोमेंटम एंड कूड नॉट जनरेट सफिशियंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन दी इंडस्ट्रियाजेशन स्लो तो हुआ ही हुआ प्लस क्या हुआ मॉडर्नाइजेशन प्लस क्या हुआ हमारे पास में फंड्स थे नहीं इतने प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर की बात करो फंड्स है ही नहीं तो इंडस्ट्री सेटअप कैसे होगी अगर इंडस्ट्री सेटअप नहीं होगी तो जॉब कैसे बढ़ेगी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कैसे बढ़ेगी ठीक है फिफ्थ पॉइंट समझ में आया मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज डिक्लाइन ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मेनी आर्टिश एंड क्राफ्टचुअली वेरी टैलेंटेड जो इस इंडस्ट्री में काम करते थे अब उनका जो टैलेंट था वो इंडस्ट्री खत्म हो गई तो वो क्या काम करेंगे आई एम अ टीचर मेरे को पढ़ाना आता है लेक्चर टीचिंग इंडस्ट्री खत्म तो अब मैं क्या करूँ नाउ आई एल बी गोइंग एंड कि मैं जॉब क्या करूँ मुझे कुछ सीखना पड़ेगा नया देन आई एल बी एबल टू एम्प्लॉय माई सेल्फ राइट तो ये क्या है यहाँ पे भी सेम सिचुएशन हुई कि कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डिक्लाइन हुई जैसे तो पीपल हु आर एक्चुअली हु आर एक्चुअली टैलेंटेड इन दिस दिस सेक्टर वो अनएम्प्लॉय हो गए the number of traditional villages and cottage industries has declined over the years due to changes in the demand preferences and the emergence of more efficient modern industries as a result large number of people have become unemployed kyun wa आजकल लोगों को अलग टाइप के गुड्स चाहिए मॉडर्न गुड्स चाहिए जिसकी वजह से हमारे पुरानी इंडस्ट्रीज जो है कॉटेज इंडस्ट्री स्पेशली बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गए और ये तो हम देख ही रहे थे कि ब्रिटिश एरा से ही हैंडीक्राफ्ट और कॉटेज इंडस्ट्री अफेक्ट होना शुरू हो गए थे बाद में डिक्लाइन और बाद में तो अब तो बहुत जगह से हट ही गया ठीक है थीके? तो बहुत सारे लोग जो एक्चुअली में एम्प्लॉयड थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए नेक्स्ट इज फॉल्टी प्लानिंग द प्लान कुड नॉट स्टॉप द माइग्रेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन इन टू अर्बन एरियाज द प्लान वर अनेबल टू एनकरेज द यूज ऑफ लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स इन एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या बोला जा रहा है हमारी प्लानिंग में फॉल्ट हुआ है बिकॉज क्या हुआ वहां पे हम विलेजेस में प्लस इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम लोग लेबर इंटेंसिव मेथड्स को हम एनकरेज नहीं कर पाए जिसकी वजह से पीपल वर नॉट एम्प्लॉयड देयर एंड उसकी वजह से क्या हुआ अर्बन एरियाज के ऊपर भी ओवरबर्डन हुआ वहां पे ओवरक्राउड हुआ बिकॉज रूरल एरियाज से लोगों ने कहाँ माइग्रेट किया एरियाज में अब ऑलरेडी इतनी है 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 पे अगर भी आती है, तो कहां है? तो जॉब्स से होगी ठीक ये क्या हुआ ज नहीं कर पाए प्लान टू पुट ड्यू एम्फोसिस ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग प्रोग्राम्स लाइक द डेवलपमेंट ऑफ डेयरीज फिशरीज एंड पोल्ट्री फार्मिंग इन सफिशियंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज पावर ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन रोड एक्सेट्रा है एक्सपेंशन ऑफ वर्क अपॉर्चुनिटीज देखो अगर इंफ्रा नहीं तो फिर काम नहीं होगा बराबर और काम नहीं है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट नहीं होगी ठीक है तो ये हमारी गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी सी फॉल्टी प्लानिंग हुई है जहाँ पे हम लोगों ने एक्चुअली में नॉन फार्म वर्क जो था नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट एरियाज जो थे उस पर ध्यान नहीं दिया अलोंग विद अलॉन्ग इंफ्रा पे हमने ध्यान नहीं दिया अगर इंफ्रा नहीं है तो वो नॉन फार्म सेक्टर भी ऑपरेट नहीं कर पाएगा जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ दैट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं हो पाई नेक्स्ट वन इज इनएडिकुएट एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग अब देखो यहां पे क्या बोला जा रहा है लो प्रायोरिटी हैज बिन गिवन टू एम्प्लॉयमेंट ऑब्जेक्टिव इन द प्लान

द लास्ट पॉइंट इज लो कैपिटल फॉर्मेशन लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन हैज़ हेम्पर्ड द ग्रोथ पोटेंशियल इन द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर दैट मीन्स नेट इन्वेस्टमेंट हम इंक्रीज नहीं कर पाए अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं हो सकती है कंसिक्वेंटली द जॉब क्रिएशन केपेबिलिटीज ऑफ बोथ द सेक्टर्स हैव बिन अफेक्टेड एडवर्सली इफ यू डोंट इन्वेस्ट मोर यू कॉन्ट यू कांट एक्सपेक्ट अ सेक्टर टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ठीक है तो यहाँ तक हमने सारे कॉजेस कवर कर लिए स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ हो इंडस्ट्रियल रेट ग्रो नहीं हो पाया उतना देन हमारे डिफेक्टिव एजुकेशनल प्लानिंग हो गई फॉल्टी प्लानिंग ऑफ फाइव ईयर प्लान हो गए हमारे इनएडिक्ड एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग हो गई देन हमारी लो कैपिटल फॉर्मेशन हो गई ये सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे कवर किए याद रखना है कोई भी एक फैक्टर नहीं है ये सारे क्यूमुलेटिव फैक्टर्स हैं जिन्होंने काजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट को बहुत अफेक्ट किया है This was about the causes of unemployment. Now let's move on to the next video.